हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और आज जो बात करने वाले हैं वो है अरहेनियस इक्वेशन की बात करने वाले हैं। अरहेनियस इक्वेशन इस पूरे चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और थ्योरी की बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट अपन इस टॉपिक को। अरहेनियस इक्वेशन क्या है? ये अरहेनियस इक्वेशन सबसे पहले तो देख लीजिए, के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है। अब ये इन सब का मतलब क्या है? क्या आप T को जानते हैं? हाँ, T इज द टेम्परेचर, R इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या? कि कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब ये A क्या है? A को ध्यान से सुनना। A इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल से जो पहले लगा इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दिए हैं। कितना बात देखने में किसी को दिक्कत? अब इन सब बातों के साथ अब के को देख लेते हैं। के क्या है सर? ये तो रेट कांस्टेंट है, हमें पता है। चलो बढ़िया, बस भैया इतना से अपनों का काम चल जाएगा। हाँ, एक और बात, आर की यूनिट क्या डालेंगे? यदि एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, तो आर का यूनिट या तो आप 25/3 डालना जूल वाले यूनिट्स में, और या फिर 2 डालना कैलोरी पर मोल केल्विन में, पर मोल केल्विन में या जूल पर मोल केल्विन में। ये 25/3 और कुछ नहीं है, नई बात नहीं है। 8.314 को ही मैंने शॉर्ट में 25/3 लिख दिया है। कैसे कैसे कौन सी वैल्यूज डालनी है वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स में सिखाऊंगा। क्लियर? अब देखने एक छोटा सा बात करते हैं सर। यहाँ पर ln ले लेते हैं दोनों साइड ln। तो ln k is equals to ln ea ln a minus ea by rt लिख दूं क्या? ln k equals to ln a minus ea by rt लिख सकता हूं। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। देखना आप, यहां मैं ln k versus 1/t का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। स्लोप कैसा होगा? क्या सर ये y is equals to, देखो मैं इसको 1/t को ऐसा लिख देता हूं, यहां से t को हटाता हूँ इंटू 1/t कर देता हूँ। अब देखना, ये तो इंटरसेप्ट हो गया, सी प्लस एम एक्स होता है ना, तो x क्या है अपनों के पास? 1/t है, ये x एक्सिस है ना। तो स्लोप सर हमारा माइनस ई ए बाई आर आ रहा है। स्लोप क्या दोस्तों? हमारा माइनस ई ए बाई आर आ रहा है ln k वर्सेस 1/t ग्राफ में। और सर वो तो नेगेटिव है क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा? देख लीजिए एक बार ये ग्राफ बनाने में, किसी को भी दिक्कत? और सर यहाँ से यहाँ तक का डाटा क्या हो गया? क्या ये ln a हो गया है? यहाँ तक का वैल्यू, ओरिजिन से यहाँ तक का वैल्यू, ये पूरा, क्योंकि इंटरसेप्ट है। क्या आप लोग इंटरसेप्ट बना पा रहे हैं? क्या आप स्लोप देख पा रहे हैं? एक बार देख लीजिए सब लोग। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात सुनना। कई बार इसी एक्सप्रेशन को वो लोग की टर्म्स में ले लेगा, तो ठीक है, नहीं ln को लोग में लिख लेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। भाई एक ही तो बात है, अपने को पता है ln x को क्या लिख सकते हैं, 2.303 log x लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2.303 आ गया। ठीक है, वापस से अब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम किस किस के बीच, log k वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करते। ग्राफ का नेचर तो बिल्कुल सेम रहता, स्लोप क्या हो जाता? क्या स्लोप माइनस ई ए अपॉन 2.303 हो जाता? देख लीजिए। और इंटरसेप्ट क्या हो जाता सर? ये रहा इंटरसेप्ट, कितना होता? लोग ए होता। क्या दोस्तों अपन लोग ये सब बातें सीख पा रहे हैं? हाँ या ना बता दीजिए एक बार। बहुत ही शानदार, उम्मीद कर रहा हूँ आनंद आ रहा होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बोलो कि अपनों को ये बातें क्लियर हैं? आइए दोस्तों, चार डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि लोग की वैल्यूज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगी। तो लोग टू को आप याद रख रहे होंगे। लोग टू को क्या याद रख रहे होंगे सर? लोग टू का वैल्यू हमें याद रखना है 0.3010। ठीक है सर, फिर लोग थ्री को भी याद रख लेना यार, 0.477। ठीक है सर, log 5 भी आप याद रख सकते हैं। log 5 को सिंपली 0.7 के रूप में याद रख लेना, एंड log 7, बस ये चार डाटा याद रख लेना, काम चल जाएगा। log 7 इज 0.84, काफी फ्रिक्वेंट है। आइनिक में भी आपको तो 11th में याद करवा दिया होगा, बट स्टिल 12th में आप लोग एक बार दिमाग में रखते हुए जाएंगे। क्लियर है?
ना यू मान लेना इस पूरे चैप्टर से कुछ भी ना सीख के जाओ अनिरुद्ध वालिया की इन वीडियो से यानी मेरी वीडियो से, बट दो बातें जरूर सीख के जाना जो आपके हर साल हर एग्जाम में, एग्जाम कोई भी हो, जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, हर जगह ये बात आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये एक्सप्रेशन जो बताने जा रहा हूँ, लोग के टू बाई के वन इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। भैया ये एक्सप्रेशन दिमाग में फिट कर लो, मतलब फिट कर लो। सर क्या क्या है ये? ईए को तो जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 एट, यहाँ पे लिखते हैं एट टेम्परेचर T1 एंड T2, एट टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू है K1, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू है K2। ये एक्सप्रेशन पूरे चैप्टर की जान है। यूं मान लेना केमिकल काइनेटिक्स से हर साल जो भी सवाल आएगा एक्टिवेशन एनर्जी से, वो इस इक्वेशन पे बेस्ड आएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ये एक्सप्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। एक तो ये वाला एक्सप्रेशन, दूसरी कौन सी बात जो आप बता रहे थे? अरे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रिलेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। दो ही चीज तो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आज, 10वां लेक्चर है इस चैप्टर का, अभी तक सिर्फ दो बातें इंपॉर्टेंट बोला हूँ मैं। क्या? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आर्हेनियस इक्वेशन, सिर्फ यही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और बाकी तो सब आसान रहती हैं। क्लियर है दोस्तों इतनी बातें? आइए थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और एक बहुत शानदार बात बताने वाला हूँ, एक बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन। अपने को पता है आर्हेनियस, वो ये सारा खेल यहीं पर ही है, फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे हम। के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, मैंने रेट कॉन्स्टेंट को के लिखा ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, मैं टेम्परेचर को यदि इन्फिनिटी टेंड करवा रहा हूँ, यदि टेम्परेचर को इन्फिनिटी टेंड करवा रहा हूँ तो दोस्तों एक रिलेशन आप मेरे को सोच के बता दीजिए। सर यदि आप टेम्परेचर को इन्फिनिटी टेंड करवा रहे हैं तो देखो इस पार्ट को ऑब्जर्व करना, माइनस ई ए बाई आर टी। सर यानी 1/T का वैल्यू, देखो और कुछ नहीं है, 1/T तो है यहाँ पे, मैं इसको टी ऐसे ऐसे दिखा दूँ तो देखना 1/T। यदि टेम्परेचर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो क्या ये वैल्यू जीरो की तरफ टेंड कर रही होगी? और ई टू द पावर जीरो या किसी की पावर भी जीरो क्या वन की तरफ टेंड करेगी? हाँ सर, क्या किसी की पावर, जैसे 2 की पावर 0 1, x की पावर 0 1, ठीक है सर। यानी टेम्परेचर इन्फिनिटी टेंड करता है तो ये वाला जो वैल्यू है क्या ये एंटायर वैल्यू 1 की तरफ टेंड करता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, इफ टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट देन रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यदि टेम्परेचर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाता है? एक्टिवेशन वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर हो जाता है। ये वाला एक्सप्रेशन भी डायरेक्टिव सवालों में यूज होगा, आपको याद रखना है। आइए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर साल आपको एग्जाम्स में दिखेगा। जेई मेंस नीट का फेवरेट सवाल है, जेई मेंस 2019, 2018, 2013, नीट 2019, नीट 2017, हर बार सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आसान भी है। सवाल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वो हर बार एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है। एग्जामिनर का पूछने का ट्रेंड भी एक ही है, क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ रेट डबल्स व्हेन टेम्परेचर रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री से 35 डिग्री। टेम्परेचर 20 डिग्री था और 20 डिग्री से 35 डिग्री हो गया है, रेट डबल हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बता दो। एक बात मेरी दिमाग में फिट कर लेना, इन द एंटायर केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री में आप हमेशा टेम्परेचर को किस में डालना, टेम्परेचर को आप कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं डालेंगे। यू हैव टू ऑलवेज सब्स्टिट्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया वाले कुछ भी बोले, हम तो टेम्परेचर को किस में डालेंगे, केल्विन में ही डालेंगे। आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व कर डालते हैं विद इन ए मिनट। सर हमें ये सॉल्यूशन, हमें एक्सप्रेशन पता है, अभी आपने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग के टू बाई के वन इक्वल्स टू ई अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, रेट डबल हो गया तो के टू बाई के वन का वैल्यू क्या, के टू बाई के वन का वैल्यू टू टाइम्स लिख दो, रेट डबल हो गया तो लोग टू हो गया, ई ए ये निकालना है अपॉन 2.303
आर एक्टिवेशन एनर्जी देखो, अब क्या अपन या आर का डाटा भी गिवन है जूल वाला, तो हम जूल वाला डाल देंगे 8.314। पहला टेम्परेचर 1/T1, T1 कितना 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया 273 + 20, क्या मैं इसको 293 लिख दूं केल्विन। भाई केल्विन में जब आप डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देते हैं तो यू विल ऑब्टेन द टेम्परेचर इन केल्विन। ये रिलेशन तो आई होप अपनों को पता होगा, बस। तो 1/273 और -1/308, क्योंकि 1/T2 यहाँ से सिंपली कैलकुलेशन है, गणित है, तो आप कर ही लेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी जो आपका आता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो सॉल्व करके आता है वो कितना आता है 34.7 kJ/mol। आसान सवाल था पहला फॉर्मेट का क्वेश्चन। आइए अब अगले फॉर्मेट के क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से वो फ्रेम करते हैं और किस तरह से वो लोग पूछते हैं। एक और अच्छा छोटा सा सवाल है, एम्स 2017 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ अरिनियस इक्वेशन। हाँ सर, हमको पता है ये इक्वेशन, बस बस अपना काम चल जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पा रहे हैं, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, यदि आप इस क्वेश्चन को खुद कर पा रहे हैं तो आप आंसर जरूर कमेंट करें। आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो को तुरंत पॉज करें और पहले आंसर आप कमेंट करें, यदि आप आंसर ढूंढ लिया है आपने। यदि आपने आंसर ढूंढ लिया है तो प्लीज आंसर कमेंट कर दीजिए। अरे सर बहुत आसान है, लोग के वर्सेस ये टी वगैरह ये सब दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से फाइंड करूंगा? अरे खुद सोचो यार, अभी लोग लिया था। हाँ लोग तो लिया था, लोग के इज इक्वल्स टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1/T। सर ये एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से फाइंड करेंगे? दोस्त अपन ने ग्राफ बनाया था, लोग के वर्सेज 1/T का ग्राफ ऐसा कुछ बना था जिसका स्लोप आया था माइनस ई ए अपॉन आर। हाँ हाँ अभी तो किया था। हाँ तो बस ये एक्टिवेशन एनर्जी कब ऑब्टेन होगा? जब ग्राफ हम किस किस के बीच प्लॉट करें। सर ग्राफ हम प्लॉट करेंगे लॉग के वर्सेस 1/T। कहाँ हो तुम ऑप्शन? लॉग के वर्सेस टी नहीं, लॉग के वर्सेस 1/T। यस दिस इज द राइट आंसर। ये गलत, ये गलत। आपको एक्टिवेशन एनर्जी यूज फाइंड करनी थी वाया प्लॉटिंग। प्लॉट करके कैसे फाइंड करोगे? लॉग के वर्सेस 1/T से। यदि ऑप्शन ऐसा कुछ होता कि सर ln k वर्सेस 1/T तो वो भी सही होता, ln k वर्सेस 1/T होता तो वो भी सही होता। क्लियर है अपने को ये दोनों बातें? आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन अपने को क्लियर हो गया होगा। आई हाय AI EEE 2011 का सवाल है। AI EEE 2011 का सवाल बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। इस क्वेश्चन को भी यदि आप खुद बना पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को तुरंत पोज कर लो यार, मेरा इंतजार मत करो, तुरंत वीडियो को पोज मारो, आंसर सॉल्व कर डालो। प्लीज आप आंसर लिख दीजिए, मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी होगी, मैं आपका आंसर चेक भी कर लूंगा। यदि आपका आंसर सही आएगा आई विल रिप्लाई टू यू ऑल्सो। चलो मीनवाइल अपन इस क्वेश्चन को एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ए रिएक्टेंट ए फॉर्म्स टू टाइप्स के प्रोडक्ट। ए से बी में जा रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए वन चाहिए, ए से सी में जा रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए टू। पहले का रेट कॉन्स्टेंट के वन, अगले का के टू। एक रिलेशन दे रखा है ई ए टू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई ए वन, तो कैलकुलेट कर दो के वन और के टू के बीच का रिलेशन। सर ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे यार कुछ अजीब सा नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन यूज करो के इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, आंसर अपने आप दिखेगा। सर कैसे? आइए अब अपन सॉल्व कर लेते हैं, आइए अब अपन सॉल्व कर लेते हैं, कोई डरने की बात तो है ही नहीं। देखना के वन इज इक्वल्स टू ए वन ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी लिख दूं। भाई एक फिक्स टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा। सर के टू, हाँ तो के टू लिख देते ना, के टू लिख देते हैं ए टू ई टू द पावर माइनस ई ए टू बाय आर टी। अब दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, दोनों को डिवाइड कर लिया, यानी के वन बाई के टू इज इक्वल्स टू ए वन बाई ए टू ई टू द पावर, क्या माइनस ई ऊपर गया तो प्लस बन गया ई ए टू माइनस ई ए वन। और एक रिलेशन भी दे रखा है ई ए टू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई ए वन, ये वैल्यू इधर लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ ई ए वन। तो क्या ये रिलेशन सॉल्व करके ई ए वन हो गया सिंपली ई टू द पावर ई ए वन बाय आर टी, और ए वन बाय ए टू को, ए वन बाय ए टू को एक नया रेट को एक नया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दिए, विच इज ए बोल दिए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि वो तो एक कॉन्स्टेंट है। तो क्या दोस्त मैं यहाँ से ऐसा लिख दूँ कि के वन इज इक्वल्स टू के टू इधर चला गया के टू इंटू ए टू द पावर ई ए वन बाय आर टी। क्या आप लोग आंसर देख पाए हैं? सिंपली दोनों एक्सप्रेशन को हम लोगों ने क्या किया,
सिंपली इन दोनों एक्सप्रेशन को हमने कुछ नया काम नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर दिया था और हमारा आंसर आ गया। क्या इस क्वेश्चन का आंसर मैं थर्ड बोल दूं? थर्ड इज द राइट आंसर जो आप लोगों की नजरों के सामने है। उम्मीद कर रहा हूँ आनंद आ रहा होगा। आइए आइए एक और सवाल करते हैं, बहुत ही लेटेस्ट सवाल जो जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। मैंने कहा था ना बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि अपनों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है? हाँ सर करवा दीजिए ना, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में तो। बढ़िया, एक क्वेश्चन और करेंगे, आसान सवाल है भी, बच्चों वाला सवाल है, कर लेंगे आप खुद। क्या बोल रहा है? एक रिएक्शन है, ग्राफ प्लॉट कर रखा है एल एन के वर्सेज 1/T। इन द फिगर इफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 400 केल्विन इज इतना, यानी यानी सर क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 400 केल्विन पे यानी T1 पे K1 का वैल्यू दे रखा है रेट कॉन्स्टेंट विच इज 10^-5, तो आपको रेट कॉन्स्टेंट बताना है T2 पर। T2 कितना है? 500 केल्विन। रेट कॉन्स्टेंट बताने का मतलब K2 बताना है, यही तो पूछा है। और एक हिंट के लिए आपको एक ग्राफ भी दे रखा है। ठीक है सर, इस ग्राफ को तो हमें क्रैक करना आता है, लेट्स क्रैक इट। कैसे सर? स्लोप जो होगा ln k वर्सेस 1/T, क्या मैं स्लोप को -EA/R लिख दूं? क्या मैं स्लोप को -EA/R लिख दूं? हाँ सर लिख दीजिए ना। तो दोनों को कंपेयर कर लो, क्या दोस्त EA का वैल्यू 4606 इंटू आर हो गया। हाँ अब क्या करेंगे? अरे अब कुछ नहीं करना, वो ln वाला रिलेशन लगा दो। कैसे? आइए दिखा देता हूँ, सब कुछ आप लोगों की नजरों के सामने देखना। क्या ये वाला रिलेशन अपनों को पता है? अभी आप लोगों को देखा भी होगा अपन लोगों ने। हाँ सर ये वाला, तो ये वाला रिलेशन देखो, बस ये वाला काम का है। सर ये कौन सा रिलेशन है? अरे वही ln k2 / k1 इज इक्वल्स टू EA/R 1/T1 - 1/T2। लोग लेते हैं तो डिनोमिनेटर में 2.303 आ जाता है, ln लेते हैं तो 2.303 हट जाता है, वो तो नॉर्मल बात है, अपनों को पता है। ln k2 निकालना है, k1 कितना? 10^-5। EA/R, क्या EA का वैल्यू पता है अपने को? अभी देखा था अपन लोगों ने 4606R, डिनोमिनेटर में R था, हटाओ। 1/T1, T1 कितना? 1400 है और 1500 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ऊपर T2 हो गया, यहाँ T1 हो गया, T2 - T1/T1 T2, वही लिखा है T2 - T1/T1 T2। ln k/10^5 / R से डिनोमिनेटर में बाय R कट गया क्योंकि EA/R क्या हो गया 4606। ये सॉल्व करके 1/2000 और ये 2.303, 2.303 को ln 10 लिख दूं, क्या मैं 2.303 को ln 10 लिख दूं और k का वैल्यू सिंपली यहां सॉल्व होके आता है 10^-4, सेकंड इनवर्स। दोस्तों एक बात सोचिए, कितना आसान कैलकुलेशन एग्जामिनर ने दिया था ताकि आपका आंसर बहुत ही सुंदर आए। और इसी के साथ आपका जो करेक्ट आंसर आता है, इसी के साथ जो आपका करेक्ट आंसर आता है वो क्या आ जाता है? ए आंसर आपका करेक्ट आ जाता है। दोस्त देख लीजिए, क्या इतनी बात आज के लेक्चर में सोचने में किसी को दिक्कत? अर्हिनियस इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की बात की है और मैं आपका दोस्त अनिल ग्वालिया इसी तरह आपको पढ़ाता रहूंगा। दिस चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मैंने ऐड कर दी है कि जहां सॉलिड स्टेट मिल जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी, केमिकल काइनेटिक्स भी, हर चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर लेना और ये नोट्स को एज इट इज आप लोग बना रहे होंगे, एज इट इज बना लेना अपनी नोटबुक में ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, एक खुद के स्टडी नोट्स आपके पास हो जाएं। नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करना और ये सारे क्वेश्चंस को भी आप नोट्स में जरूर डालेंगे क्योंकि जो बेहतरीन सवाल होते हैं मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद आप दुनिया भर के बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं। ठीक है तो गाइज मिलते हैं अगले टॉपिक में और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। Stay safe at your home. Bye bye. Take care.